हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बकरे के गोश्त की बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, वो ये है कि हमने एक न्यू वीलॉगिंग चैनल राना अदील अहमद के नाम से स्टार्ट किया है, जिसमें आप हमारी डेली रूटीन जान सकते हैं। जिस तरह आपने मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया, उसी तरह प्लीज मेरे इस न्यू वीलॉगिंग चैनल को भी सपोर्ट करें और अपना प्यार दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के लास्ट पर भी आप लिंक देख सकते हैं। आज की इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूं कि आज हमने बकरे का गोश्त तो लिया है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली ये देखिए हमने चांप ली है। तो आप सादा लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि हम चांप के गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं। एनीवेज हमने 1 kg जो है वो चांप यानी बकरे का गोश्त लिया है। मैंने 3 दरमियानी प्याज ली है जिसको मैंने यूं लच्छेदार बारीक काट लिया है। इसके अलावा 1 बाउल मैंने दही ली है, चंद हरी मिर्चें और अदरक लहसुन 1 tablespoon। इसके अलावा इमली मैंने ली है, ये आपको नजर आ रही होगी। बिरयानी मसाला, आप किसी भी अच्छी कंपनी का बिरयानी मसाला यूज कर सकते हैं, ये 3 tablespoon जो है वो हमने बिरयानी पाउडर जो इस्तेमाल करना है। 1/2 tablespoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 tablespoon हमने नमक, नमक जो है वो आपने हसबे जायका इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये सालन के लिए हम अभी सारी इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं। इसके बाद सुर्ख मिर्च पाउडर हमने 1/2 चम्मच और आलू बुखारे के 5 या 6 जो हैं वो हमने इस तरह दाने ले लिए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया, कुकर के अंदर हमारा ये जो चांपे हैं वो हम ऐड करेंगे। इसके बाद ये प्याज रख जाएंगी, प्याज के बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला पाउडर। अच्छा, अब आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जितना भी मैंने आपको मसाले बताए थे वो हमने इस गोश्त को पकाने के लिए बताए थे। इसके अलावा चावलों में हैं वो सेपरेट डालेंगे। जब हमारा ये गोश्त तैयार हो जाएगा तो हम इसको भूनेंगे, भूनते वक्त हम इसमें बिरयानी मसाला पाउडर, इमली, आलू बुखारा और जो हमारी सब्ज मिर्चें हैं वो हम शामिल करेंगे। इसके अंदर अब मैं 2 ग्लास जो है वो पानी ऐड करूंगी। चलिए अब हम इसको वेट लगाकर पकने के लिए रखते हैं। हमने कुकर को जो बंद करके वेट लगाकर चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है, तकरीबन हम इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। जैसे 3 से 4 सीटियां बजेगी हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इस ढक्कन खोलकर हम चेक करते हैं कि ये गला है कि नहीं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो गोश्त है चांप वो गल चुकी है, अब हम इसको भूनेंगे। ये देखें अब पानी खुशक हो चुका है, थोड़ा थोड़ा रह गया, ये साथ साथ भूनते हुए खुशक हो जाएगा। इसके बाद अब हम ये कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, 2 स्पून जो हैं वो पकाने वाले वो मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया। ये वाले जो 2 चम्मच हैं ये 1/2 कप कुकिंग ऑयल बनते हैं। अब साथ ही इसके अंदर मैं ये इमली वाला पानी और इमली शामिल करूंगी, आलू बुखारा, बिरयानी पाउडर और 2 से 3
साबत जो है मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। 3 साबत मिर्चें मैंने ली हैं और इसको डाल दूंगी। बस अब हम इसको भूनते रहेंगे। जैसे ये घी छोड़ेगा हमारा जो बिरयानी का सालन है वो तैयार हो जाएगा। हम इसको चावलों के साथ तय लगाएंगे। ये देखें इसने घी छोड़ दिया। अभी हम इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और साथ ही फिर हम इसके अंदर दही शामिल करते हैं। अब मैं इसके अंदर ये दही शामिल करती हूँ। अब हम इसे 1 से 2 मिनट बस भूनेंगे और फिर इसको उतार लेंगे। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने 2 ग्लास चावल ले लिए हैं पुराने वाले, इनको मैंने साफ करके भिगो लिए हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे सिंपली नमक डालकर। ये देखें मैंने अब 3 ग्लास जो है वो पानी डाले हैं, 2 ग्लास चावल थे, 3 ग्लास पानी और 1 चम्मच जो है वो मैं नमक शामिल कर रही हूँ। अपने हिसाब से जरूरत इस्तेमाल करना है। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं। जैसे इसमें हल्के हल्के बबल्स बनेंगे हम चावल इसमें डालकर पका लेंगे। इसका बाद हमने पकने के लिए रख दिया चूल्हे पर, कवर करके रख दें। ये आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के बबल्स बने थे, तो अब हमने इसके अंदर चावल ऐड कर देने। ये मैंने इसलिए किया कि इस तरह जो अब हम डालते हैं चावल, तो ये जो कनी है ना चावलों की वो प्रॉपर पकती है, वरना ये क्या होता है ऊपर से खाल पक जाती और अंदर से कच्चे रहते। ये देखें बस हमने नमक पानी और चावल और ये मैंने 2 छोटी इलायची इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको पकने के लिए ढांक कर रख देंगे। जैसे पानी खुश्क होगा हम जो बिरयानी वाली है तो तय इसके साथ लगाकर इसको दम पर रख देंगे। अब ये पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। एक तय चावल की, एक गोश्त की, एक चावल एक गोश्त। ये देखें व्यूअर्स, मैंने थोड़ा सा जर्दा रंग लेकर इसको सादा पानी में मिक्स कर लिया है। इसको हम साथ साथ चावलों पर डालेंगे लास्ट पर। ये देखें व्यूअर्स, मैंने पतीली में से जैसे ही पानी खुश्क हुआ आधे चावल निकाल लिए और थोड़े से नीचे रहने दिए, बाकी ये इसमें। अब हम इस तरह इसके ऊपर सालन डालते जाएंगे और साथ में हमें चावल ऐड करेंगे। अब इसी तरह मैं सारे इसको तय लगा लूंगी और इसको दम पर लगाएंगे। ये देखें अब हमने मुकम्मल तौर पर इनको तय लगा ली और लास्ट पर चावल रह गए। अब हम इसके अंदर हल्का हल्का जर्दा रंग के ड्रॉप्स कर फेंकेंगे और इसको दम पर लगाएंगे। चलें जी, अब हम इसको कवर करके रख देंगे। 5 मिनट बाद इंशाल्लाह हमारी जो बिरयानी है वो रेडी हो चुकी होगी। हम इसको सर्व करेंगे। अब मैंने इसको दम पर लगा दिया। ये भी देखिए व्यूअर्स, चावलों को दम आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। अब हम चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा चांप वाला पुलाव पककर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।